बैठमा नगर परिषद ने शासन के निर्देश पर एक मास्क का अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की है। अभियान 1 अगस्त से प्रारंभ किया गया है जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान यह नाम इसलिए रखा गया कि वर्तमान में सर्वाधिक आवश्यक है तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है, क्योंकि सर्वाधिक संक्रमण मुंह पर मास्क न लगाना, खांसना, छींकना, थूकना, किसी के करीब रहकर बातें करना इत्यादि क्रियाकलापों में संक्रमण फैलने की तीव्रता बढ़ जाती है। इसलिए अभियान चलाया गया, एक मास्क अनेक जिंदगी बचा सकता है, जैसे विषय पर सोमवार को नगर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं इसके पूर्व नगर परिषद में सोशल डिस्टेंस के साथ एक बैठक भी रखी गई। बैठमा से संवाददाता की रिपोर्ट। ये लोग चाहते हैं कि बैठमा का नाम खराब नहीं हो। एक समय था जब पूरे देपालपुर क्षेत्र में केवल एक पेशेंट हुए थे और उसके बाद लंबी अवधि तक कोई भी पेशेंट नहीं था और आज हम लगभग 140 के पहुंच गए हैं। है इस बात का है कि यदि पॉजिटिव केस निकला भी तो लोगों को ये लगता है कि हमारा व्यवसाय बंद हो रहा है। लोगों को ये लगता है कि किस तरीके से हम दुकान खोल रहे हैं। जिस घर में भी पेशेंट आ रहे हैं उनके आसपास के जो उस घर में रहने वाले लोग हैं वो तो सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट हो ही गए। इसके बाद जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कुछ भी खरीदी की है तो वो सारे लोग कॉन्टैक्ट और उस व्यक्ति से हमारा मिलना जुलना हो गया। जो सावधानियां हमको रखनी चाहिए थी वो सावधानियां हमने नहीं रखे तो निश्चित रूप से हम खतरे में होते हैं। यही बात हमको लोगों को बताना होगी। जो लोगों में एक बात आ रही है, किसी को जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं किया जा सकता। आज जो शीर्ष नेतृत्व है, जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या देश के गृह मंत्री जी हैं, वो भी पॉजिटिव हो गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक ट्वीट किया कि हमसे जितने मिलने जुलने वाले लोग हैं सब लोग अपना सैंपल टेस्ट करा लें। शासन के निर्देश अनुसार एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का चालू किया गया है अगर सर बैठमा द्वारा भी, जो कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें फ्री में हम आवश्यकतामंद लोगों को बैंक उस बैंक के माध्यम से मास्क वगैरह उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको जागरूक किया जाएगा। इसकी शुरुआत हमने राजबाड़ा चौक से की है, जहाँ पर हमने मास्कों का वितरण करा है और ये मास्क ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अंतर्गत हम मास्क के बारे में जागरूक करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की मास्क की जानकारी देंगे लोगों को और कोरोना के बचाव के उपाय बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।